चलो 3x मैंने किस तरफ ले लिया, लेफ्ट साइड ले लिया, ओके यस चलो तो 3x माइनस 2x क्या होगा, x यस इज इक्वल टू एक्स 18. इज इक्वल टू 18. अब यहां देखो 5t माइनस 3 इज इक्वल टू 3t माइनस 5. सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूं, 5t माइनस 3t इज इक्वल टू 5t माइनस 3t 2t. हाँ सर, आप जो लिख रहे हैं दिख नहीं रहा है. हाँ सर, वो आप लिख रहे हैं पर दिख नहीं रहा. अब यस सर, ऐसा लिखा माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2, तो t इक्वल टू क्या, माइनस 1, 2 2 कट हो गया. ओके अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस 3x. देखो बेसिक आइडिया कितना है कि x एक तरफ रखना है, बराबर है, और नंबर्स को एक तरफ रखना है. तो 5x माइनस 3x इक्वल टू 5 माइनस 9. एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस 2. Yes, sir. हो गया बराबर. ओके सर, हो गया, हो गया ना. चलो फिर आगे करते हैं. ये तो इजी लगा ना, ये एक्सरसाइज में कुछ खास है नहीं. यस सर. चलो 4, 5 and 6 आ गए. 4, 5, 6 चलो स्टार्ट करो 4 से. देखो क्या होगा, 4z माइनस 2z इक्वल टू 6 माइनस 3. तो ये कितना हुआ, 2z इज इक्वल टू 3. तो व्हाट इज z, पता चला? यस सर. ओके ये माइनस x राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस. वेरी गुड. ये माइनस वन लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में आएगा तो क्या होगा, प्लस. टू एक्स प्लस एक्स फिफ्टीन अपॉन थ्री. एंड व्हाट इज 15 अपॉन थ्री, फाइव. फाइव फाइव पता चल गया. यस सर. अब यहाँ पे 8x प्लस 4 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, 3x माइनस 3 प्लस 7. देयरफॉर 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4. तो प्लस 4 उड़ा दो दोनों साइड से. यस सर. यस सर. ओके तो सर मतलब कॉमन आ जाएगा. नहीं 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 नहीं, 8 माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 4. यस. तो 5x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0. 0. 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे तो वो 0 ही रहेगा. 0 ही रहेगा. सर हो गया.
हो गया okay. चलो अब ये चार में से कोई भी दो सम करा दूं बोलो यस सर मत करा चलेगा हम कर लेंगे कोई भी दो करो ना फिर भी कर देता हूँ एट नाइन टेन नाइन और टेन y प्लस नाइन्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ okay? yes, sir. 26 by 3 minus y. ये 3 यहाँ पे आएगा तो क्या होगा 3 टू 6 y प्लस 5 अपॉन 3 चलो अपॉन 3 उड़ा दो दोनों साइड से बराबर यस सर फाइव लेफ्ट साइड में से राइट साइड में आ गया यस सर ये हो गया 9y तो फाइनल आंसर मेरा क्या हो गया 7/3 इक्वल टू 7/3 आया समझ में यस सर सर इधर 6y कहाँ से आया 6y कहाँ से आया ये एलसीएम लिया ये बेटा एलसीएम लिया ना 3 2 6y ओके सर यशवर्धन माइक म्यूट रखो युग हो गया बेटा यस सर ओके चलो एक और क्वेश्चन नंबर 10 3m is equals to 5m minus 8 upon 5 चलो 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दे तो 3m equals to 25m minus 8 upon 5 चलो अब दोस्तों ये 5 का क्या होगा बोलो सर ये 525 के साथ डिवाइड में चला जाएगा डिवाइड तो वापस ऊपर वाला स्टेप ही आएगा ये 5 इधर आएगा 5 3 जा 15 m इक्वल्स टू 25m माइनस 8 ओके चलो अब ये 25m राइट साइड में लेफ्ट साइड में आया क्या हो गया ये माइनस 10 एम इज इक्वल टू माइनस 8 तो एम इक्वल टू क्या माइनस 8 अपॉन 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 5 सर फिर से समझाओ बोलना दोस्त कौन सा स्टेप सर वो सेकंड स्टेप ये 5 जो था यहाँ पे ओके वो पहले लेफ्ट पे मल्टीप्लाई करने गया फिर 25 लेफ्ट में आया हाँ, 15 माइनस 25 माइनस 10 क्योंकि छोटा नंबर में से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है 25 5 डायरेक्ट डिवाइड नहीं होगा
अगर डिवाइड करेंगे दोस्त ओके तो क्या होगा 25/5 5m - 8/5 वापस पहला स्टेप आ गया ओके सर इसको डिवोर्स कहते हैं बंटवारा डिनोमिनेटर का बंटवारा यस सर ओके okay, और वो कैसे होता है जरा देख लो 40 + 60 / 5 है तो ये क्या हुआ 40 + 60 100 / 5 20 अगर आप 5 से डिवाइड करना चाहते हो ऐसे करना चाहते हो 40/5 + 60/5 तो व्हाट इज 40/5 8 चला कैसे भी करोगे आंसर तो 20 ही आएगा यस सर ऊपर का दिखो शिवम पता चला बेटा सर 60 कहाँ से आया 60 का ही आंसर आया अरे ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा था दोस्त ये जो है ना ये एग्जांपल ले रहे हैं ये मैं आपको समझा रहा था कि कैसे होता है काउंटिंग वो नहीं लिखना तो सर नहीं 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 वो तो खाली एग्जांपल था सर मैंने नहीं लिखा परिन बेटा वीडियो ऑन रखो यस सर सर हो गया ओके चलो एक्सरसाइज 2.4 करते हैं ठीक है क्वेश्चन 1 and 2 दिखाई दे रहा है यस सर तो सैटरडे को टेस्ट होगा आज मतलब इस सैटरडे को हाँ चलो अमीना थिंक्स ऑफ ए नंबर एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 चलो लेट अमीना ने क्या नंबर सोचा होगा x शी सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट माइनस 5/2 इज इक्वल टू 8 शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8 इसको वो 8 से मल्टीप्लाई करती है The result now obtained is 3 times the number she thought of.
थ्री टाइम्स द नंबर शी थॉट ऑफ, पता चला? यस यस सर, यस सर। चलो अब क्या करेंगे, इटू यहाँ ले जाओ, माइक बंद। समझ में आ रहा है? टू फोर जा, टू फोर जा। चलो फोर टू जा एट, एट एक्स माइनस फाइव, माइनस फाइव ट्वेंटी, फाइव टू फोर, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना? हाँ सर। इज इक्वल टू 3x। चलो माइनस 20 राइट साइड में गया, ओके सर आंसर 4 है। चलो 8x माइनस 3x सर सम करने देना 5x, ओके तो x इक्वल टू क्या होगा बोलो? 20 by 5 सर फोर, आंसर फोर है। एमिल माइक म्यूट कर। यस सर। चलो सेकंड क्वेश्चन करूं मैं? हाँ सर। यस सर। सर एक मिनट रुको ना। यश वर्धन पहली लाइन पढ़ो। A opposite number is 5 times another number if 21 is added to both the numbers then one of number the जो new है, वो दूसरे नंबर का 5 times है। Okay, फिर then one of the new number becomes twice. Okay, अगर 21 if 20 twice the other new number, what are the numbers? दोनों में 21 ऐड करो। हाँ। Okay. Then what? कौन किसका double हो जाता है? X plus. तू किसकी तरफ रखूँ मैं बोलो? राइट साइड। चलो राइट साइड, ओके। चलो अब क्या होगा बोलो? 5x plus 21 is equals to 2x plus 42. 2x plus 42. तो 5x minus 2x is equal to 42 minus 21. 21 upon 3, पता चला ना? Yes, yes sir. Yes sir. Yes sir. अब जरा चेक करें कि सम क्या था? Okay. The positive number is 5 times another number. चलो अगर ये x है तो इसका 5 times क्या होगा? 35. 21 add करेंगे
तो 35 प्लस 21 क्या होगा? 56 एंड 7 प्लस 21 क्या होगा? 28 देखो 56 हो रहा है ना? हाँ, यस सर प्लस करेंगे तो वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी गुड। पता चल गया? यस सर, एक बार वापिस करो ना, मेरा लिखना रह गया। ओके ले लिख ले। चलो कोई बोलेगा, क्वेश्चन क्या है? सर मैं बोलू? हाँ हेमिल। सम ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्ट न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द टू डिजिट नंबर? सर मतलब सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, दो डिजिट का जो नंबर है वो 9 है। बाद में उसको इंटरचेंज करेंगे तो एक नया नंबर मिलेगा। ओके चलो डिजिट क्या होंगे उसके? टू डिजिट। हाँ ओके, सपोज बोथ डिजिट्स आर, अगर एक एक्स हुआ तो दूसरा एक्स 9 माइनस एक्स बराबर। अब आपको बोलो यूनिट प्लेस एंड टेंस प्लेस, पता है ना दो डिजिट yes, प्लेस होता है। अब yes. मान लो कि मेरा नंबर है 56, तो एक्चुअली में वो नंबर क्या होगा? 5 × 10 + 6 होता है ना? यस सर, यस सर, बराबर है। ओके मतलब फिर से एक बार, 56 मतलब 10 की प्लेस पे 5 आया प्लस 1 की प्लेस पे 6 आया, बराबर है। चलो अब आप मुझे बोलो 10 की प्लेस पे आप किसको रखना चाहते हो, x को कि 9 माइनस x को? 9 माइनस 6। तो नंबर क्या होगा? 10 × 9 - x। ओके यस सर, हाँ बराबर है। ये था, ये क्या है अपना ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। ओके ये हो गया मेरा ओरिजिनल नंबर। अब हम क्या करेंगे, इफ वी इंटरचेंज द डिजिट्स, हाँ व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स, चलो डिजिट्स की अदला बदली करें। यस सर, न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। चलो इंटरचेंज द डिजिट्स का मतलब न्यू नंबर 65 का 56 है ना? हाँ चलो अब 10 की प्लेस पे एंड नंबर यूनिट की प्लेस में। ओके ये कौन सी प्लेस है? टेंस प्लेस है। और ये कौन सी प्लेस है? यूनिट।
चलो अब 10 की प्लेस पे कौन आएगा, x, और यहाँ पे कौन आएगा 9 माइनस, तो व्हाट विल बी माय न्यू नंबर, बोलो 10 x plus 9 minus x. अब ये न्यू नंबर ओल्ड ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा होगा, 2 digit 27. ओके चलो, तो ओरिजिनल नंबर ओके और ये है न्यू नंबर. अब आप मुझे बताओ न्यू नंबर में ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड करूंगा तो न्यू नंबर आएगा ना? यस सर. या तो न्यू नंबर में से 27 सबट्रैक्ट करूंगा. चलो ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, ओरिजिनल नंबर क्या था मेरा, 9 minus x. 10 into 9 minus x plus x plus 27. ओके चलो अब 10 9 90. What is 10x minus x? Sir, 9x. चलो ये 9x इधर आ गया. What is 90 plus 27? वन वन सेवन को राइट साइड में लेके गया मैं, बराबर. ओके 10x minus 9x क्या, व्हाट इज 9 minus 117? 108. ओके कोई कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक दिखाई दे रही है? Yes. सर वो माइनस 10x plus x वो माइनस 9x नहीं होगा? ओह यस. सर इधर एक प्लस एक्स था ना यहाँ पे. यस एक्स था ना प्लस पहले से, माइनस मैंने ये 9x ले लिया, बट ये एक्स तो था ना यहाँ पे. चलो माइनस, हाँ माइनस 19x के बदले में क्या होगा यहाँ पे, माइनस 18x. ओके और करेक्शन ये रहा यहाँ पे. X equals to 108 upon X equal to 6. चलो ये था पहला डिजिट X, तो दूसरा डिजिट क्या? सेकंड डिजिट क्या होगा बोलो? तो पहला नंबर क्या होगा? 36. ओरिजिनल नंबर 36. सर 36 कैसे आया? ओरिजिनल नंबर बोलो. 10 into 9 minus 6 plus x. 9 minus 6 कितना? 3. 3 into 10. Yes sir. Minus 8. हाँ sir. अरिंद समझ में आया? Yes sir. Yes. म्यूट करो.
मस्त समझाइए, बहुत मस्त। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो पता भी नहीं चल रहा था कि आंसर कैसे आएगा। करूँ फिर से एक बार? हाँ सर, ये 117 9-117 है, वहां से थोड़ा समझा दो ना सर। चलो फिर से करते हैं पूरा, ओके। देखो कोई भी जो नंबर होता है ना, प्लीज माइक बंद, कोई भी जो नंबर होता है ना उसमें यूनिट की प्लेस होती है एंड टेंस प्लेस होती है, बराबर है। अब यहां पे मैंने एक्स अज्यूम किया, तो यहां पे मुझे क्या अज्यूम करना पड़ेगा, 9-x, ओके। तो दोस्तों व्हाट इज माय ओरिजिनल नंबर, बोलो। टेन इंटू एक्स प्लस 9-x, पता चला? हाँ यू, यस सर। इसमें हम पहले से सिंपलीफाई नहीं कर सकते, जैसे वो 10x प्लस 9-x है, उसे 90-9x नहीं लिख सकते। 9x माइनस प्लस 9 होगा ना? सॉरी सर। हो चलो कर दिया बस, ओके सर। ओके अब क्या करना है, इंटरचेंजिंग ऑफ डिजिट्स, ओके। मतलब न्यू नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर में जरा देखना है, जरा एक बार, यही का यही बट ये एक्स कहाँ जाएगा, ये यहां पे आ गया, और एक्स कहाँ पे आ गया, ओके। नाउ टेल मी व्हाट इज द न्यू नंबर, चलो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, ओके। अब एक तरफ रखते हैं ओरिजिनल, और एक तरफ रखते हैं न्यू नंबर। चलो अब रिलेशनशिप क्या दी है, नया नंबर जो आता है वो कितना ज्यादा है पहले नंबर से, 27। तो ओरिजिनल में मैं 27 ऐड करूंगा ना, तो नया नंबर आएगा, ओके। चलो नया नंबर क्या है, 90-9x, एंड टेल मी व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। ये माइनस 9x इधर आ गया तो क्या हो गया, नाउ 18x। हाँ अब 90, चलो 18x, 90 में से 9 गया, 81 में से 27 गए। सर प्लस प्लस हो जाएगा 54, देयरफॉर x इक्वल टू क्या, 54 अपॉन 18 अपॉन 18, ओके। तो मेरा आंसर क्या आया, 3, ओके। तो व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर बोलो क्या था, 9x प्लस 9 था ना? यस सर, 9 प्लस 9, that is 9 into 3, 9 3 is 27 plus 9। देखो
आप कैसे भी करो आंसर तो सेम ही आता है, समझ गए? मैंने दो बार अलग अलग मेथड से किया। बहुत मस्त समय, इसलिए दूसरी बार किया। सर इसके बाद का समय मेल चांदी रखना। माइक की बंद। हाँ चलो हो गया दोस्तों, हो गया, हो गया, लिख लिया? यस सर। कोई डाउट नहीं ना? नो सर। नो सर। सब जाएगा मुझे स्टार्टिंग से? कौन समझाएगा? चलो 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 कौन समझाएगा? चलो दोस्तों ट्राई करो। ट्राई 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 करें एग्जाम, आदत डालो एक्सप्लेन करने की, बराबर है? Yes. फोर्थ आउटेगा आप, चेक करो फोर्थ आएगा सबको। सर आज कोई और क्लास है? मैम आएगी ना अभी, यस मैम का क्लास है अभी। चलो आप ट्राई मारोगे आप? हाँ यस सर, यस सर। बस अभी इसके बाद 0.5 एंड 0.6 है, वो तो इजी है। ओके दो सेशन में हो जाएगा। ओके हाँ, नथिंग टू वरी एट ऑल।